रियासत कर्नाटक में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार। असेंबली इंतखाबात के नताइज पर सलीम अहमद ने किया खुशी का इजहार। सलीम अहमद ने कहा कि अवाम की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी दोबारा हुकूमत बना रही है। सलीम अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को बहाल करेगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और MLC हैं सलीम अहमद। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। जीत हुई है पूरी मार्जिन के साथ, आपकी हुकूमत बन रही है, तो क्या कह रहे हैं सर? शुक्रिया। आज ये कर्नाटक की जनता की जीत है, लोगों की जीत है। ये निकम्मी सरकार पिछले 4 साल से जिन्होंने लूट मार किया, जिन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया और उन्होंने कमल एजेंडे बना के लेके गए थे, लेकिन आज लोग कर्नाटक का ग्रोथ आज कांग्रेस पार्टी को देके जो है उन पर पूरा विश्वास है कि हमें अच्छी गवर्नमेंट देंगे और करप्शन फ्री गवर्नमेंट और अच्छी जो है सबको साथ लेके जाने वाली गवर्नमेंट हम बनाएंगे। तो आपकी आप जो है वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, काफ़ी जिम्मेदारी आप पर भी थी, तो जहाँ जहाँ पर भी आपको आप गए तो वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिली है। बिल्कुल। आखिर में क्या मैसेज आप दे रहे हैं? कर्नाटक में अच्छी सरकार बनेगी, एक सब लोगों का ख्याल रखा जाएगा और जितने जो भी काम इन्होंने गलत काम किए हैं उस पर बिल्कुल इंक्वायरी भी होगी, जो इन्होंने करप्शन किया है उस पर भी इंक्वायरी होगी, जो जो अच्छे काम किए हैं वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो गलत काम किए उस पर हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे बड़ी तश्वीश की बात थी कि 4% रिजर्वेशन आखिर में इन्होंने ख़त्म कर दिया था, तो बिल्कुल उसके इस मौके पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल रिजर्वेशन के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे और कैबिनेट में डिस्कस करके जो करना है बिल्कुल करेंगे। थैंक यू।